हेलो गाइस, मेरा नाम है भरत और अभी मैं खड़ा हूँ जेसीबी के शोरूम में और हमारे सामने खड़ी है जेसीबी 3DX 4x4 जो कि आप देख रहे हैं 2023 का ये मॉडल है जेसीबी 3DX का जो कि 4x4 में है। आज मैं आपको इस वीडियो में इस जेसीबी की इंजन की पावर, स्पेसिफिकेशन, फ्रंट एंड लोडर की पावर और 2023 में इसमें आपको क्या क्या नए नए फीचर्स मिलते हैं वो सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। और ये जेसीबी 3DX है, हमारे सामने खड़ी है जेसीबी 3DX 4x4 जो कि आप देख सकते हैं ये 4x2 में भी आती है। और आज मैं आपको जेसीबी की पूरी डिटेल दूंगा जो कि आप देख सकते हैं इसमें आपको कुछ इस टाइप से दो चाबियां मिलती है, इसमें भी आपको जेसीबी की ब्रांडिंग मिल जाती है। और ये हमारे सामने खड़ी है काफ़ी भारी भरकम मशीन जो कि है बैको लोडर, जेसीबी को बैको लोडर कहा जाता है। और आप देख सकते हैं ये 4x4 बैको लोडर को जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने से आप लुक देख सकते हैं, सामने आपको जेसीबी की ब्रांडिंग मिल जाती है। और ये 4x4 मॉडल है इसलिए इसमें आपको 4x4 की बेजिंग दी गई है जो कि काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है 4x4। और ये येलो कलर में ही आती है, खाली एक कलर ही आता है जेसीबी में। और इनका ये काफ़ी फेमस मॉडल है, 4x2 में काफ़ी ज़्यादा बिकता है और जिनको ज़रूरत होती है वो 4x4 में भी काफ़ी लेते हैं जो कि आप देख रहे हैं। इसके फ्रंट के लोडर को आप देख सकते हैं, आगे मैं आपको यहाँ के सेल्स मैनेजर से भी मिलाऊंगा, वो आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। उससे पहले आप लुक दे सकते हैं। और इसके इंजन की बात करें तो इसमें 4.4 लीटर का मतलब 4400 cc का 4 सिलेंडर का डीजल इंजन लगा हुआ है जो कि आपको देता है 74 HP की पावर और 400 Nm का टॉर्क जो कि आप देख सकते हैं। या इसका इंजन लगा हुआ है 4 सिलेंडर का, काफ़ी पावरफुल ये इंजन है और इसमें चारों पहिए काम करते हैं क्योंकि ये 4x4 मशीन है जो कि आप देख सकते हैं। और इसमें सामने भी काफ़ी बड़े पहिए दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। और इसके इंजन के साथ साथ में इसके हाइड्रोलिक्स में भी काफ़ी जान है जो कि आप देख सकते हैं, इनकी मदद से ये काफ़ी भारी भरकम मटेरियल को भी आसानी से उठा पाती है जेसीबी 3DX 4x4 जो कि आप देख सकते हैं। इनके 4x4 मॉडल जो कि बाहर खड़े हैं आप देख सकते हैं, उसका भी मैं आपको रिव्यू दे दूंगा। आज मैं आपको 4x4 का रिव्यू दे रहा हूँ। और फ्रंट के आप लोडर को देख सकते हैं और सामने से काफ़ी हैवी लुक दी गई है और दिखने में भी ये जेसीबी काफ़ी सुंदर लगती है येल्लो कलर में, इनका काफ़ी फेमस ये मॉडल है। इसके फ्रंट के टायर की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में 18 इंच के टायर मिलते हैं, 12.18 इंच के। नॉर्मल जेसीबी 4x4 में 4x2 में 16 इंच के टायर आते हैं लेकिन ये 4x4 इसलिए इसमें आपको 18 इंच के टायर दिए गए हैं। और टायर की आप देख सकते हैं क्वालिटी, ऑफ रोडर टायर दिए गए हैं। और इस साइड में इसमें आपको टैंक मिल जाता है जो कि हाइड्रोलिक्स का टैंक है। और रियर के टायर की बात करें तो रियर में इसमें आपको 28 इंच के टायर दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। आगे आपको डिस्क एंड पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी जेसीबी 3DX 4x4 में जो कि आप देख रहे हैं। और अभी मैं आपको रियर से लुक दिखा देता हूँ जेसीबी 3DX 4x4 की जो कि आप देख सकते हैं, काफ़ी भारी भरकम ये मशीन है। और 3DX की आपको बेजिंग मिल जाती है पीछे के बैको लोडर पर जो कि आप देख रहे हैं, 3DX प्लस ये मॉडल है 4x4 और यहाँ पे जेसीबी लिखा गया है जो कि आप देख रहे हैं। और ये है रियर के हाइड्रोलिक्स जो कि आप देख रहे हैं, रियर के बैको लोडर के, इनमें भी काफ़ी अच्छी जान है। और रियर के लोडर को आप देख सकते हैं और येलो कलर में ये जेसीबी है। और अभी मैं आपको सामने से लुक दिखा देता हूँ जेसीबी 3DX की, अगेन आप सामने से लुक दे सकते हैं। अभी मैं आपको इसका क्विक इंटीरियर भी दिखा देता हूँ और आगे मैं आपको इसके सेल्स मैनेजर से मिलूँगा। और यहाँ पे इसका डीजल का टैंक लगा हुआ है जो कि आप देख रहे हैं। और कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे चाबी लगा के इसको ओपन करना होता है, कुछ इस टाइप से ये गेट ओपन हो जाता है। और उस साइड से मैं आपको ओपन करके दिखा दूँगा, आप चाहे तो इस साइड से भी ओपन कर सकते हैं लेकिन ज़्यादातर ऑपरेटर इस साइड से ही चढ़ते हैं। कुछ इस टाइप से आपको चाबी लगानी होती है, यहाँ पर आप चाबी लगा के इसको ओपन कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। और जो कि आप देख रहे हैं, अभी मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूं। आपको चढ़ने के लिए यहां पे फुट स्टेप दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। और ये है जेसीबी 3DX 4x4 का इंटीरियर जो कि आप देख रहे हैं। एक एक करके मैं आपको सारे फंक्शन बताऊंगा, उससे पहले आप स्टीयरिंग व्हील को देख सकते हैं, इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है जेसीबी 3DX में। और सामने के डैशबोर्ड को देख सकते हैं और सामने आपको फ्रंट में विंडशील्ड दी गई है जो कि आप देख रहे हैं। और इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाता है जेसीबी 3DX 4x4 में, यहाँ पे स्पीकर लगे हुए हैं। और यहाँ पे आपको रूफ़ की लैंप भी मिल जाती है कुछ इस टाइप से, आप चाहे तो जला सकते हैं।
और यहाँ पे आपको फैन दिया गया है ऑपरेटर के लिए, जिससे गर्मी में काफ़ी आसानी रहे। और यहाँ पे आपको इसका मीटर मिलता है जो कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पे इसके गियर के कंट्रोल दिए गए हैं। ये इसका आगे बढ़ाने का गियर, और इसमें आपको यहाँ पे पीछे क्लच मिलती है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता, जैसे भी मैं पैर वाली क्लच नहीं आती है, ये दोनों ब्रेकें दी गई है, और यहाँ पे इसमें रेस है, और ये है आगे बढ़ाने का गियर। और यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाती है जो कि आप देख रहे हैं, और ये है फ्रंट के लोडर के कंट्रोल जो कि आप देख रहे हैं, और स्टीयरिंग व्हील आपको पावर स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। और इस साइड में आपको यहाँ पे हॉर्न का स्विच, और इससे ही आप जेसीबी को कंट्रोल करते हैं जो कि आप देख रहे हैं। ये लीवर है, इसको आपको आगे एंड पीछे करना होता है यहाँ से गियर सेलेक्ट करके, तभी ये जेसीबी आगे एंड पीछे बढ़ती है। ऐसे ऊपर उठा के आपको लगाना होता है।